बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन। टुडे गोइंग टू स्टार्ट आवर लेक्चर नंबर 59, और ये जो लेक्चर स्पेशली रिकॉर्डिंग हो रही है इस लेक्चर्स की, वो हो रही है प्री नाइन के लिए। एंड फिज़िकल लेक्चर्स उन्होंने पढ़ चुके हैं, तकरीबन हाफ चैप्टर जो है वो कम्प्लीट हो चुका है। और लास्ट लेक्चर जो हमारा हुआ था, दैट इज़ रिलेटेड टू द मिक्सचर एंड टाइप ऑफ मिक्सचर, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। उसके बाद आज हम आगे पढ़ेंगे, और आगे आप हाईलाइट करेंगे अपने बुक्स के ऊपर चैप्टर नंबर 1, विच नेम इज़ द फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री, एंड द क्वेश्चन आर द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड एंड मिक्सचर। और अगर हम कंपाउंड एंड मिक्सचर की बात करते हैं बच्चों, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है फॉर योर फर्स्ट चैप्टर, ठीक है? तो फर्स्ट चैप्टर में मेजॉरिटी ऑफ पास पेपर्स में ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, तो आपने इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से समझना है। मैंने इसके तमाम बुक वाले पॉइंट्स यहाँ पर राइट किए हुए हैं, तो इसलिए आपको बुक में ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस आप इन पॉइंट्स को समझना है और उसको याद करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट पॉइंट इज दैट, इफ यू रिमेंबर दैट क्लास में हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, दैट इज रिलेट टू द कंपाउंड, कि कंपाउंड आपके पास क्या होता है। द कंपाउंड आर द हमारे पास व्हेन टू आर मोर सब्सटेंसेस। अब सब्सटेंसेस क्या है, द प्योर पीस ऑफ मैटर इज कॉल्ड द सब्सटेंसेस। द कंपाउंड फर्स्ट पॉइंट इज दैट द कंपाउंड इज फॉर्म बाय द, कि कंपाउंड हमारे पास कैसे बनता है, बाय द केमिकल कम्बिनेशन ऑफ द एटम्स, कि एटम्स जो हैं वो केमिकली कंबाइन होते हैं। और बच्चों ये बात मैंने क्लास में भी आपको बताई थी कि जब कोई भी एटम केमिकली कंबाइन करता है तो वो परमानेंटली करता है, तो परमानेंटली उनके दरमियान जो बॉन्डिंग होती है तो वो बनती है, और एक नई चीज़, दो रिएक्टेंट्स आपस में कंबाइन होते हैं, अब दो से ज़्यादा रिएक्टेंट्स भी हो सकते हैं, दैट इज़ डिपेंड अपॉन द कंडीशन ऑफ द रिएक्शन, विच टाइप ऑफ रिएक्शन वी हैव। तो अब हमारे पास जो है वो क्या है, कि एटम जो है वो केमिकली कंबाइन करेंगे। इफ़ यू रिमेंबर दैट द डेफिनेशन, द कंपाउंड इज अ सब्सटेंसेस मेड अप ऑफ टू आर मोर एलिमेंट्स केमिकली कंबाइन टूगेदर इन अ फिक्स रेशियो बाय अ मास। अब उसका रेशियो भी फिक्स होगा बाय अ मास, ठीक है, और वो के लिए भी कंबाइन करेगा। ये दो करेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए कंपाउंड के अंदर, एक तो क्या करेगा, केमिकली कंबाइन करेगा, और दूसरा क्या होगा, उसकी फिक्स रेशियो होगी, तो वो क्या कहलाएगा, कंपाउंड कहलाएगा। सो द कंपाउंड इज फॉर्म बाय द, कि कंपाउंड हमारे पास बनते हैं बाय द केमिकल कंबिनेशन ऑफ द एटम। ओके, सपोज दैट हमें वाटर बनाना है, तो वाटर बनाने के लिए हमें टू हाइड्रोजन एंड वन ऑक्सीजन चाहिए होगा, क्योंकि अब आपकी नाइन क्लास है, प्री नाइन क्लास है, तो अब आपको हम कहते हैं व्हाट इज़ अ सैम्पल ऑफ ऑक्सीजन, तो हम कह देते हैं ओ। अब मैं आपसे कहूँ व्हाट इज़ अ फॉर्मूला ऑफ ऑक्सीजन, तो आप कहेंगे ओ टू। अब जो ओ टू बोला है, दैट इज़ अ मॉलिक्यूलर डायटोमिक जो है वो फॉर्म में होगा आपके पास, द सेम एटम्स कंबाइन विद ईच अदर, कि दो एटम जो हैं वो क्या कर रहे हैं, केमिकली जो है वो क्या कर रहे हैं, कंबाइन कर रहे हैं। तो अब जब वाटर का कंपोजिशन होगा, वो मैंने यहां पे लिखा हुआ है कि देयर द टू हाइड्रोजन दैट इज कंबाइंड विद द मोनोटॉमिक फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन एंड दे फॉर्म द वाटर मॉलिक्यूल, और वाटर मॉलिक्यूल बन जाएगा। अब इसकी वाटर बनाने के लिए फिक्स कंपोजिशन क्या होगा बच्चे, कि हमारे पास एक दो हाइड्रोजन होंगे और वन जो है मोनोटॉमिक फॉर्म में क्या होगा, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स होंगे, एंड ये केमिकली कंबाइन करेंगे और वाटर मॉलिक्यूल बनेगा, ठीक है। और जब वाटर मॉलिक्यूल बनेगा तो ये हमारे पास फिक्स रेशियो एंड उसके बाद ये केमिकली कंबाइन हुआ है आपके पास, ठीक है। आई होप यू गेट माय पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट इज दैट दैट इज़ रिलेट टू द मिक्सचर। अब सबसे पहले ना आपको मिक्सचर की डेफिनेशन याद होनी चाहिए। अब मिक्सचर हमने ये भी पढ़ा था कि इन प्योर पीस ऑफ मैटर, कि हमारे पास मैटर का जो है वो इन प्योर पीस होगा, दैट इज़ मिक्स विद अनदर सब्सटेंसेस, किसी चीज़ के साथ मिलकर बना हुआ होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल आई हैव अ वाटर, इन वाटर के अंदर हम शुगर को ऐड कर लें या हम सॉल्ट्स को ऐड कर लें, तो वो हमारे पास मिक्सचर बन जाता है, मतलब वो प्योर फॉर्म ऑफ मैटर नहीं होता। अब मैटर्स की भी हमने आगे डिफरेंट टाइप्स पढ़ी थी, द मैटर एग्जिस्ट इन थ्री फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर लाइक अ लिक्विड, सॉलिड एंड गैसेस कॉम्बिनेट हो सकते हैं, और कॉम्बिनेट आगे हम सॉल्यूशन वाले चैप्टर में भी डिस्कस करेंगे। अब मिक्सचर क्या है, मिक्सचर की डेफिनेशन क्या होगी, व्हेन टू आर मोर एलिमेंट्स, या तो दो एलिमेंट्स आपस में कंबाइन कर सकते हैं या फिर दो सब्सटेंसेस आपस में कंबाइन कर सकते हैं, एंड सब्सटेंसेस रिलेटेड टू द वाटर इज कंबाइंड विद द शुगर, या वाटर के अंदर जो है वो शुगर डिजॉल्व हो रही है। अब शुगर इज ऑल्सो द कंपाउंड, या ग्लूकोज इज
also the compound and water is also the compound. So we can take the both words in this definition. The mixture is formed by the chemical combination of the atom, कि हमारे पास mixture क्या है, when two or more elements or compounds जो हैं वो physically mixed होंगे without any fixed ratio by a mass, कि उनकी कोई fixed ratio नहीं होगी by a mass. अब जैसे for example आपने लीमू पानी बनाना, तो हम उसके अंदर मैयर क्वान्टिटी नहीं, जस्ट ऐसे रेंडमली कोई चीज़ अंदाजे से डालना शुरू कर देते हैं. तो इस वजह से मिक्सचर में क्या होगा, द मिक्सचर इज़ फॉर्म बाय द सिंपल मिक्सिंग अप. सिंपल मतलब ग्लास ऑफ वाटर लिया है, उसके अंदर हमने शुगर को डिजॉल्व करवा दिया, दैट इज़ अ सिंपल मिक्सिंग ऑफ आवर सब्सटेंसेस, के सब्सटेंसेस को मिक्स करें. एंड आई होप ये दोनों पॉइंट्स आपने समझे होंगे, रिलेट किए होंगे इस टॉपिक के साथ. दोनों की डेफिनेशन अगर आपको अच्छी तरह से आती है तो आप इन दोनों पॉइंट्स को भी अंडरस्टैंड कर लेंगे, ठीक है. ओके, द सेकेंड पॉइंट इज दैट द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द कंपाउंड लूज देयर आइडेंटिटी एंड फॉर्म अ न्यू सब्सटेंसेस हैव एंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टी फ्रॉम दैम, ठीक है. कि कॉन्स्टिट्यूएंट का मतलब होता है जो भी हमारे पास, कॉन्स्टिट्यूएंट का मतलब होता है अज्जा या उसके जो पार्ट्स होंगे. अब जैसे फॉर एग्जाम्पल आई हैव अ कार्बन, द फिजिकल स्टेट्स ऑफ कार्बन हेयर इज अ सॉलिड. वेन द कार्बन इज बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करेगी, दे विल बी कन्वर्टेड इन टू द कार्बन डाइऑक्साइड. नाउ द हेयर इज अ फिजिकल स्टेट्स ऑफ कार्बन इज अ सॉलिड एंड हेयर इज अ फिजिकल स्टेट ऑफ द गैस इज, मतलब गैस की जो स्टेट है वो गैस ही है, लेकिन अब ये डिफरेंट प्रॉपर, मतलब ये बर्न हुआ है जिसने क्या बनाया है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है. तो अब हमारे पास द कॉन्स्टिट्यूएंट लूज देयर आइडेंटिटी, वो अपनी आइडेंटिटी को लूज कर देते हैं और क्या किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, इंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टी जो है उनके अंदर, मतलब रिएक्टेंट से टोटली डिफरेंट प्रोडक्ट हमारे पास आती है. अगर वहाँ पे देखें तो सॉलिड था हमारे पास और अब जो प्रोडक्ट है वो गैस की फॉर्म में है, ठीक है. और अगर हम बात करते हैं मिक्सचर की, तो मिक्सचर में क्या होगा, द मिक्सचर शो द प्रॉपर्टी ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट, वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट की प्रॉपर्टीज़ को शो करते हैं. फॉर एग्जांपल हमने शुगर को सिंपली डिजॉल्व किया है वाटर के अंदर, जब आप सिप करेंगे या ड्रिंक करेंगे वाटर, उस शुगर वाटर को, तो आपको उसका टेस्ट फील होगा, ठीक है. तो कौन सी, अगर हम इसके अंदर इसके अलावा नमक डाल देंगे, कोई और चीज़ डालते हैं, तो आप उसको इजीली जो है वो क्या कर लेंगे, आइडेंटिफाई कर लेंगे. इसी तरह से अगर हम मिक्स बाउल ऑफ सैलड बनाएंगे, उसके अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ वेजिटेबल्स को या डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रूट्स को ऐड करेंगे, तो हर उस मिक्सचर के अंदर हर उस कॉन्स्टिट्यूएंट का जो टेस्ट है या उस चीज़ को, उसकी जो आइडेंटिटी है वो आप शो कर, मतलब उसके अंदर शो होगी और आप उसको ईजिली आइडेंटिफाई भी कर पाएंगे, ठीक है. आई होप ये दोनों पॉइंट्स आपको समझ आ गए होंगे. एंड थर्ड point is that the compound always has a fixed composition by a mass. अब जैसे मैंने उस दिन क्लास में भी आपको ये बात समझाई थी कि अगर हमें वाटर बनाना है, तो वाटर बनाने के लिए द कम्पोजिशन इज रिक्वायर्ड विच इज़ अ टू हाइड्रोजन इज केमिकली कम्बाइंड विद द ऑक्सीजन एंड दे फॉर्म द वाटर मॉलिक्यूल. बट द कंडीशन, अगर हम कह रहे हैं कि अगर एक वाटर मॉलिक्यूल है, दो वाटर मॉलिक्यूल है, अगर मैं यहाँ पर टू लगा दूँ, ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे ऑक्सीजन डायटोमिक फॉर्म में होगा, तो हमारे पास टू वाटर मॉलिक्यूल्स एंड द नंबर ऑफ कोफिशिएंट्स विल बी इंक्रीज, तो हमारे पास द अमाउंट ऑफ मॉलिक्यूल्स भी जो है वो क्या होती चली जाएगी, बढ़ जाएगी. बट कंपोजिशन की अगर हम बात करेंगे, तो कंपोजिशन फिक्स रहेगी. अब पानी कहीं पर भी प्रेजेंट है, चाहे वो एयर में है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स, अगर वो उसके समंदर के अंदर प्रेजेंट है, ओशंस में है, रिवर्स में है, लेक्स में है, पाउंड्स में है, दस हेयर द कंपोजिशन ऑफ द वाटर इज H2O. द अमाउंट ऑफ वाटर विल बी इंक्रीज इन द वे ऑफ, कि मतलब वो इंक्रीज होती रहती है. जैसे मैंने वहाँ पे कोफिशेंट लगा दिया, तो वाटर का वहाँ पे पहले वन मॉलिक्यूल था और अब वहाँ पे टू वाटर मॉलिक्यूल्स हो गए हैं हमारे पास. ओके, अब अगर हम बात करते हैं मिक्सचर की, द कंपोनेंट द मिक्सचर डू नॉट शो द फिक्स कंपोजिशन. मिक्सचर की कोई भी फिक्स कंपोजिशन नहीं होती, हम उसको स्पोज या फिर उसको ऐसे ही जो है वो अपने अंदाजे से एडिशन कर लेते हैं कि अच्छा इतनी चीज़ इतनी ऐड कर ली थी, मतलब उसके अंदर हमें कोई मेजरमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ी, हम मेजरमेंट्स के बगैर उसको भी मतलब हैंडल कर सकते हैं. द फोर्थ पॉइंट इज़ दैट कंपाउंड का फोर पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं, द कंपोनेंट कैन नॉट बी सेपरेट बाय द फिजिकल मीन. हम कोई भी फिजिकल मेथड इस्तेमाल करते हुए उसको सेपरेट नहीं कर सकते. अब फिजिकल मेथड जो हम डिस्कस कर लेते हैं, अगर हम मिक्सचर की बात करें, तो द कंपोनेंट कैन बी सेपरेटेड बाय द फिजिकल मेथड्स. अब यहाँ पे आपको एक ऐसी एग्जांपल देना चाहती हूँ जो आप उस पॉइंट को गेट कर लो, आपको बस चीज़ समझ आ जाए. जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है, मैंने एक बाउल में रेत ली है,
सैंड जिसको हम सिलिकॉन डाइऑक्साइड भी कहते हैं, और उसके अंदर मैंने ऐड किया है आयरन नेल्स, मतलब कील्स ऐड कर दी हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर मैंने एक मैग्नेट को घुमाना शुरू कर दिया है। तो अब बेसिकली होगा क्या कि जो जितने भी मैग्नेट्स के मैग्नेट जो कील होंगी वो मैग्नेट्स के साथ अटैच हो जाएंगी, और अब वो सैंड और जो आयरन नेल्स का मिक्सचर था वो सेपरेट हो जाएगा। इसके अलावा वी हैव अ सम टाइप ऑफ अ डिस्टिलेशन प्रोसेस, एवेपोरेशन प्रोसेस, ठीक है, ये वो क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस, ये वो तमाम फिजिकल मैथड्स हैं जिसके ज़रिए से हम चीज़ों को सेपरेट कर सकते हैं। बट हम ये जितने भी फिजिकल मैथड्स हैं ये हम मिक्सचर के अंदर अप्लाई कर सकते हैं, हम कंपाउंड के अंदर इसको अप्लाई नहीं कर सकते। उसके बाद हमारे पास लास्ट पॉइंट है, दैट इज़ रिलेट, हमारे पास कहता है कि एवरी कंपाउंड इज रिप्रेजेंटेड बाय द केमिकल फॉर्मूला। अब मैं कहूँ, अगर आपको याद हो इससे एक पेज आगे हमने सम इम्पोर्टेंट केमिकल फॉर्मूलाज को डिस्कस किया था, एंड सम इम्पोर्टेंट केमिकल फॉर्मूला इज रिलेट टू द, सबसे पहले हमारे पास था वाटर, विच इज़ रिलेट टू द कोवलेंट बॉन्ड, के वाटर के साथ हमारे पास कोवलेंट बॉन्डिंग हो रही है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल देर इज़ अ एच टू एंड ओ। अब हमारे पास ऑक्सीजन है, व्हाट इज़ द एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन, विच इज़ अ एट। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू द शेल एंड शेल इनटू अ के एंड एल, दे आर द टू एंड दे आर द सिक्स, एंड द सिक्स आर द आउटर मोस्ट शेल्स ऑफ द ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का आउटर मोस्ट शेल में हमारे पास सिक्स इलेक्ट्रॉन्स हैं। नाउ अरेंज द इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब यहाँ पर दो लोन पेयर हैं, व्हाट इज़ मीन बाय द लोन पेयर, मैंने पहले भी बताया था, द नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन विच आर नॉट अवेलेबल फॉर द केमिकल बॉन्डिंग, मतलब उस बॉन्डिंग के लिए अवेलेबल नहीं होते। उसके बाद फोर ये हो गए, अब एम सी क्यूज आएगा, हाउ मेनी, मतलब ऑक्सीजन के पास कितने लोन पेयर होते हैं, तो ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर होते हैं, और पीछे कितने बचे, दो, एक बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, एक यहाँ आ गया। कितने हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर हमारे पास वन होता है, तो वन हाइड्रोजन के लिए यहाँ आ गया और एक हाइड्रोजन के लिए यहाँ आ गया, ये क्या बन गया आपके पास बॉन्डिंग। अब ये जो म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुआ है बिटवीन द ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, विच इज़ कॉल्ड द कोवलेंट बॉन्डिंग। और हमने ये बात पढ़ी थी कि वी हैव अ डिफरेंट टाइप ऑफ कंपाउंड्स एंड टू टाइप ऑफ कंपाउंड्स, या तो हमारे पास वो हो सकते हैं आयनिक हो सकते हैं, या फिर कोवलेंट इन नेचर हो सकते हैं। कोवलेंट इन नेचर ये हैं आपके पास। अब हमारे पास सोडियम है, सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एंड दे वांट टू बी स्टेबलाइज, सो दे लूज वन इलेक्ट्रॉन फॉर द आउटर मोस्ट शेल एंड गेट द इलेक्ट्रो पॉजिटिव चार्ज। नाउ द क्लोरीन हैज़ 17 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर शेल, सॉरी उनके पूरे एटम्स के पास 17 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एंड दे वांट टू आल्सो, दे वांट टू बी स्टेबलाइज, दे लूज गेन द वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सोडियम एटम, और दूसरे एटम से जो है इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा, और गेन करके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्लोरीन आयन में। सो दिस पॉजिटिव आयन एंड दिस नेगेटिव आयन कंबाइन केमिकली, सोडियम आयन एंड प्लस क्लोरीन आयन, जब ये आपस में मिक्स करेंगे क्या बना देंगे, NaCl, ठीक है। तो अब ये हमारे पास क्या बना है, विच इज़ कॉल्ड द आयनिक कंपाउंड, ये आयनिक कंपाउंड बन गया है, एंड इसको हम फॉर्मूला यूनिट बी कह सकते हैं, ठीक है। और ये हमारे पास क्या बन गया है, कोवलेंट कंपाउंड बन गया है, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, दैट इज द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन द एटम, और आयनिक की क्या होगी, द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर वन एटम टू अनदर एटम, कंप्लीटली जब इसने इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया है तो इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, नाउ दे आर स्टेबल विद 2 and 8 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, एंड रूल्स को फॉलो कर रहा है, ऑक्टेन एंड डुप्लेट रूल को फॉलो कर रहा है, इसके पास 17 इलेक्ट्रॉन्स है, नाउ दे आर 18 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो अब हमारे पास उन्होंने कहा कि भी हम एवरी कंपाउंड्स को रिप्रेजेंट करते हैं उनके केमिकल फॉर्मूलाज के साथ, एंड केमिकल फॉर्मूलाज आर रिलेटेड टू द कास्टिक सोडा, विच इज़ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड द लाइमस्टोन, कैल्शियम कार्बोनेट एंड डिफरेंट टाइप ऑफ आपके पास जो हैं वो आ सकते हैं। और मैंने आपको सीरीज ऑफ केमिकल फॉर्मूलाज रिवाइज भी करवाए थे क्लास के अंदर, और ये भी बताया था कि इसके अंदर से ज़रूर एक आधा एमसीक्यूज या फिर शॉर्ट क्वेश्चन बोर्ड के पेपर्स में ज़रूर रिपीट होता है। सो द लास्ट पॉइंट ऑफ द मिक्सचर इज दैट इट कंसिस्ट ऑफ टू आर मोर कॉम्पोनेंट, सो डज नॉट हैव एनी केमिकल फॉर्मूला। अब हम मिक्सचर में ना कभी ये नहीं कह सकते कि अच्छा इसका ये फॉर्मूला, हम कहेंगे वाटर के अंदर शुगर डिजॉल्व है, या सैलड का बाउल है इसके अंदर एप्पल हो सकता है, इसके अंदर कोई और चीज़ हो सकती है, तो हम उसका नेम के साथ उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बट उसका केमिकल फॉर्मूला कोई नहीं होगा। तो कंपाउंड के पॉइंट्स एग्जैक्ट हैं, एग्जिस्ट करते हैं, बट अल्टरनेट पॉइंट जो हैं वो मिक्सचर के हैं। अगर आप कंपाउंड को याद कर लेते हो तो ऑटोमेटिक आपके, अगर आपको डेफिनेशन याद है तो डेफिनेशन के पॉइंट को अपने जहन में रखते हुए आप बाकी पॉइंट्स को भी इसके अंदर कर लेंगे। एंड आई होप 9 क्लास आपने इस लेक्चर को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड किया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।